तो आज सैटरडे है और मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं बैंगन, आलू और सोयाबीन ली हूँ, जिसे मैं फ्राई करूँगी और ये पालक भी डालूँगी मैं। तो देखिए, मैं चावल को धो ली हूँ, मैं मूंग के दाल भी बना रही हूँ और अभी भी फ्राई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हल्दी, नमक और पालक और जो भी सब्ज़ी को फ्राई की थी सब कुछ डाल चुकी हूँ और आधा टमाटर मैं ली हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, आप इस सब को डालने के बाद एक चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है खिचड़ी का। और इसमें अब 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर देंगे हम और 4-5 सीटी लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा खिचड़ी रेडी हो चुका है और ये कितना खूबसूरत, यम्मी, टेस्टी देखने में लग रहा है। और अब हम इसमें छौंक लगा देते हैं, मिर्च, जीरा और लहसुन का। देखिए, तो आप लोग भी इस तरह से खिचड़ी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत टेस्टी लगता है ये खाने में। बाकी आप ऊपर से पापड़, चोखा, चटनी इसको ऐड कर लें। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।